स्वागत है ईआईएस पुष्केशन में और आज आपके यूनिवर्सिटी रिजल्ट को लेकर सारी बातें करने वाले हैं कि जो आपके 2023 में जो आपके यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं यानी 2022-23 के आप सेशन में होंगे और अभी चाहे आपके सेमेस्टर के रिजल्ट हों या फिर आपके ईयरली के रिजल्ट हों, जब आपके रिजल्ट जारी किए जाते हैं तो आपके रिजल्ट में कई सारी जो समस्या वो देखने को मिलता है। एक तो आपको WRG करके देखने को मिलता है, इसके साथ ही आपको अपने रिजल्ट में WW1 WW2 ऐसे करके देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बैक पेपर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, स्कूटनी क्या होता है, रिचेक क्या होता है, RTI क्या होता है, आप अपने किस तरीके से अपनी कॉपी को देख सकते हैं, इन सभी को लेकर सारी बातें बिल्कुल विस्तार से करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, लगभग प्रोसेस सभी के एक होते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, तो इसको लेकर सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से करने वाले हैं। सबसे पहले एक करके बात करते हैं कि आपके WRG क्या होते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि आपको पता है कि आपको राजगौरव का एग्ज़ाम देना होता है। राजगौरव का एग्ज़ाम केवल एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको केवल उसे पास करना होता है। अगर आप उसे पास नहीं करते हैं तो फिर आपको उसमें WRG देखने को मिलता है और वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। यानी कि 100 में अगर आपको 33 मार्क्स से कम मिला है तो फिर आपके रिजल्ट में WRG देखने को मिलेगा। फिर दोबारा से आपके राजगौरव के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, फिर आप राजगौरव का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद से ये जो आपका WRG क्लियर हो जाता है। तो आपके यूनिवर्सिटी की ओर से, आपके कॉलेज की ओर से फॉर्म जारी किए जाते हैं कि आपके स्पेशल राजगौरव के एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, उस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद से आप WRG क्लियर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन भी छात्र छात्राओं के रिजल्ट में WRG है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने WRG को क्लियर कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, वहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे और फिर आपका जो WRG है वो क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके रिजल्ट में WW1 WW2 अगर ऐसे देखने को मिल रहा है तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिजल्ट की फोटोकॉपी लीजिए, इसके साथ एक एप्लीकेशन लिखिए, अपने कॉलेज को जाके सबमिट कीजिए, फिर कॉलेज के द्वारा आपके यूनिवर्सिटी से बात किया जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो सेम यही काम कीजिए, अपने रिजल्ट लीजिए, उसकी फोटोकॉपी करवाइए, एक एप्लीकेशन लिख के अपने यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दीजिए, फिर यूनिवर्सिटी की ओर से इसे क्लियर कर दिया जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर स्कूटनी और चेक कॉपी को लेकर बात किया जाए तो देखिए, स्कूटनी में सिर्फ इतना होता है कि आपके कॉपी को जिस भी टीचर के द्वारा चेक कर दिया गया, उनके द्वारा जिस भी क्वेश्चन पे जितने नंबर आपको दिए गए हैं वो सारे नंबर को एक बार ऐड करके देख लिया जाता है कि वो जो नंबर जोड़े गए हैं वो सही तरीके से जोड़े गए हैं या नहीं जोड़े गए। अगर सही तरीके से नहीं जोड़ा गया तो उसमें आपको कम अधिक कर दिया जाता है, लेकिन स्कूटनी की जो फीस है वो कम होता है। और काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएं स्कूटनी के फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन स्कूटनी के फॉर्म से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होता है, इससे केवल आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो कभी भी अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो बिल्कुल भी आपको स्कूटनी का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आग बंद करके रिचेक का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि रिचेक में ये होता है कि आपकी कॉपी को जिस भी टीचर के द्वारा चेक किया गया है, दोबारा से आपकी कॉपी को किसी दूसरे टीचर के द्वारा चेक करवाया जाता है, हर क्वेश्चन पे आपको दोबारा से नंबर दिए जाते हैं, फिर उन क्वेश्चंस के हर नंबर को जोड़ा जाता है, फिर आपके उस सब्जेक्ट में जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो बिल्कुल भी आपको स्कूटनी का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपको चुपचाप जाके रिचेक का फॉर्म अप्लाई कर देना है। क्योंकि रिचेक के फॉर्म अप्लाई करने से आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन स्कूटनी से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसके साथ ही आपके बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के लिए बात किया जाए तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो जाहिर सी बात है कि आपको बैक पेपर तो देना ही होगा। क्योंकि अगर आप बैक पेपर नहीं देते हैं, उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको बैक पेपर देना ज़रूरी है, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की ओर से आपके बैक पेपर के लिए नोटिस जारी किया जाता है, फिर आपके कॉलेज से आपके बैक पेपर फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं, फिर आपके बैक के जो पेपर हैं वो करवाए जाते हैं। इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में ये होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में जितने नंबर दिए गए हैं उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं कि आपको उसमें और ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को भरते हैं। अगर आपके नंबर जो पहले के नंबर से मिले हैं उससे अगर कम होता है तो फिर आपका पहले वाला ही नंबर होता है, लेकिन अगर आपके इम्प्रूवमेंट के नंबर में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपको जो रिजल्ट है उसे अपडेट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपके बैक और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम इसी तरीके से करवा लिए जाते हैं। इसके साथ ही बात आता है आपके वाले हैं कि आपके SGPA को किस तरीके से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने CGPA को किस तरीके से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लेके भी सारी बातें करते हैं। सबसे पहले अगर आपके अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आए होंगे जहाँ पे आपको SGPA ही देखने को मिलेगा और इसका नंबर होता है आपके सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, तो यहाँ पे अगर आपके SGPA में जो रिजल्ट आए होंगे वहाँ पे किसी के 8.5 होंगे, किसी के 6.7 होंगे, किसी के 7.7 होंगे, इस तरीके से आपको अपने जो SGPA है वो देखने को मिल रहा होगा। इसी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको केवल अपने SGPA को लिख देना है, उसके बाद से उसमें माइनस कर देना है 0.75, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ये जाके आप अपने
कैलकुलेटर से काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। और फिर आपका जो SGPA है वो आपको देखने को मिल जाता है परसेंटेज में। इसी तरीके से अगर आपको करते हैं आपके CGPA को लेकर, तो अगर आपको अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो CGPA होता है वो आपके 2 सेमेस्टर को मिला के बनाया जाता है, यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को मिला के जो आपका SGPA होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम CGPA में, और CGPA जो आपके सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें कैलकुलेट करके ही यूनिवर्सिटी की ओर से जारी कर दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका CGPA 8.5 है तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो आपका जो परसेंटेज है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कई सारे यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला रखा जाता है। कई सारे यूनिवर्सिटी 10 रखते हैं और कई सारे यूनिवर्सिटी, तो एक बार आपको अपने यूनिवर्सिटी से बात कर लेना है कि सर हमको जो CGPA मिला है उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे 10 से करें या फिर 9.5 से करें, तो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा बता दिया जाएगा। तो सिंपल है कि अगर आपका CGPA 8.5 है, 7.5 है, 7.6 है, तो इस तरीके से जो भी आपका CGPA आया होगा तो उसे आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, या तो 9.5 से कर लीजिए या फिर 10 से कर लीजिए, और आपका जो परसेंटेज है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहता है आपके CGPA और SGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने को लेकर। इसी तरीके से आपके RTI को लेकर बात किया जाए, तो आपके रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर आपको RTI फाइल करना होता है, जिसमें कि आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपने कॉपी को लिखा था, किस तरीके से आपकी कॉपी को चेक किया गया, किस क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स दिया गया। तो ये आपके रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर ही आपको अपने यूनिवर्सिटी से जाके अप्लाई करना होता है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो ये रहती है आपकी RTI की जो प्रोसेस, इसमें कुछ आपको फ़ीस भी पेमेंट करना होता है। तो ये जो सारी बातें थी वो हमने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर दिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, कहीं पे भी पढ़ाई करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज में हो, आप नॉन टेक्निकल कोर्सेज में हो, BA, BSc, BCom, डिप्लोमा, BTech, जिस भी कोर्सेज में होते हैं, सभी के चाहे बैक पेपर हो, इम्प्रूवमेंट पेपर हो, स्कूटनी हो, रीचेक के फॉर्म हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना होता है, और सेम यही प्रोसेस हर जगह अपनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें।